हिम्मत, जज्बे, बहादुरी, ईमानदारी, अगर इन चारों का कोई एक नाम है तो वो नाम है किरण बेदी। वो आज हमारे साथ है और सबसे बड़ी चीज, एक सवाल कहा जा रहा है कि किरण बेदी पे फिल्म आ रही है जो कुशाल चावला लेके आ रहे हैं। मैं कहूंगी कि मैं आप दोनों की शुक्रगुजार हूँ कि आप हमारे लिए बेदी फिल्म लेके आ रहे हैं। थैंक यू सो मच ये फिल्म लाने के लिए, क्योंकि हमने आपको देखकर बहुत सीखा है, बहुत सी चीज़ें जानी हैं, दुनिया कैसे होती है, और सबसे बड़ी बात है एक औरत होके अपने फैसले कैसे लेने हैं। तो सबसे ज़्यादा मैं कुशाल की शुक्रगुजार हूँ, जिनका तजुर्बा, मुझे लग रहा है जिनकी उम्र आपके तजुर्बे से भी कम है और वो ये डेयर कर रहे हैं कि वो आप पे फिल्म बना रहे हैं। बड़ी फास्ट फॉरवर्ड करके रिसर्च की है ना। करेक्ट करेक्ट करेक्ट, 4 साल में हमने वो रिसर्च की है जो मैम का पूरा करियर है। बट फिर भी इट इज वेरी बिग रिस्पॉन्सिबिलिटी, क्योंकि मैम का करियर एक ऑडियंस को दिखाना अपने आप में इतनी बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, क्योंकि उनको इतना इलस्ट्रियस करियर से इंस्पायर करना, यही सबसे बड़ा हमारा चैलेंज भी है एंड अपॉर्चुनिटी भी है। नहीं, हमारे लिए बहुत बड़ी बात है कि ये फिल्म आ रही है, क्योंकि हमने बहुत सारी फिल्में देखी, जैसे भाग मिल्खा आई। हाँ। बहुतों को नहीं पता था, मिल्खा से एक उम्र का तकाजा, लोग आगे आ गए ना। नए बच्चों को नहीं पता था, पर जो उन्होंने देखा तो उनको लगा अच्छा कोई ऐसा भी था, कोई एक बिल्कुल मैजिशियन था जो दौड़ता नहीं था, वो उड़ता था। इट वाज वेरी वेल एक्टेड, सेम वेरी वेल एक्टेड, वेरी वेल डायरेक्टेड। सेम वही चीज कि एक लड़की जो 9 साल की उम्र में टेनिस खेलती है, उसकी लंबी चोटियां भी थी, लेकिन वो टेनिस खेलते हुए वो चोटियां डिस्टर्ब कर रही थी तो उसने काट दी, और वो गए भी वहां बाल कटवाने जहां पे लड़कों के बाल काटे जाते हैं। यस, क्योंकि मैंने आपकी एक तस्वीर देखी और मेरी माँ हमेशा मुझसे कहती थी कि कभी ना तुम पूछना कि ये बाल लंबे क्यों नहीं रखती है, तो मैंने कहा हो सकता है पुलिस वाले नहीं रखते हैं। तो आज आप कुछ जवाब दो उनके सवाल का, आपने बाल क्यों नहीं लंबे? लंबे रुकावट थी मेरे लिए, रुकावट थे जो बिल्कुल टेनिस में इधर भी गीला हाँ। फिर छिक गया और नमकीन पसीना, तो मैं टेनिस को बॉल को देखूं कि इसको साफ करूं तब तो बॉल निकल जाएगा। तो मैंने कहा इसका फायदा क्या, फायदा क्या? ऐसे दूसरा सवाल एक हमेशा आता है कि जैसे होता ना, चलो ठीक है पुलिस वाले हैं तो वर्दी पहनी, आपकी वर्दी सम्मान होती है, जज्बा होती है, लेकिन जब आप नॉर्मल डेज में होते हैं, संडे में होते हैं, फैमिली के इवेंट्स में होते हैं, तब आप इंडियन वेयर अटायर पहनते हैं। हमने आपको साड़ी में नहीं देखा और आपने बोला साड़ी पहनना एक पनिशमेंट है, तिहाड़ जेल से भी ज़्यादा बड़ी वाली। तो आप बताएं, साड़ी पनिशमेंट नहीं है, साड़ी बंदिश है। बंदिश है, हाँ ओके, इट्स अ बंदिश बट वेरी ब्यूटीफुल, यस, बहुत ग्रेसफुल। हाँ। बहुत ब्यूटीफुल, जब सही लोग अच्छी तरह पहनते कितनी ग्रेसफुल है और बहुत ब्यूटीफुल है, लेकिन मेरे लिए नहीं है ना। हाँ। So, मेरे लिए वो रुकावट है। ओके। Because it binds me. वेयर इज आई वांट टू बी मूविंग, और क्या करूँ ऐसे उठा के भागू। हाँ। So, इसलिए कुछ नहीं उठाना, हाथ भी खाली, जेबों में भी पॉकेट भी इधर कुछ नहीं, हाथ खाली, सो किसी को पकड़ना भी है कुछ। हाँ। भी करना है, एवरीथिंग डन, सो इट्स लाइक हैंड्स फ्री, पॉकेट फ्री, नो बैग्स। कभी आपने देखा मेरे बैग? साड़ी जो है बहुत ग्रेसफुल है, तो ग्रेसफुल एंड मोबिलिटी तो बड़े आराम से चलना है ना। आप साड़ी लेके भाग नहीं सकते, क्रेडिट गोज टू दोज वेमेन, वो साड़ी लेके भी बसें चढ़ती हैं, ये उनकी अंदर की हिम्मत है, ये तो और हर औरत पे इतनी हिम्मत होती है, वो कुछ भी पहन ले तो अपनी जिसमें हिम्मत है वो दिखाती है। हाँ। So, मेरे पास शायद वो क्वालिटी नहीं थी कि मैं ऐसे भी कर लूं। हाँ। और भाग भी लूं, वो मेरे पास नहीं थी। ओके। मैंने अपनी मोबिलिटी रखी, ट्रैक सूट भी। हाँ। रखी, फिर ट्रैक सूट से यूनिफॉर्म, NCC का यूनिफॉर्म आ गया, फिर उससे पहले मैंने सिर्फ टेनिस स्कर्ट्स पहनी, फिर मैंने सिर्फ टेनिस शॉर्ट्स पहनी थी, सो माई ड्रेस वॉज ऑल मोबिलिटी, साइकिलिंग बहुत की, हर चीज जिसमें मुझे कोई रुकावट ना हो, मैं जल्दी से काम कर सकूं, जल्दी जल्दी सारा करना है, सब कुछ जल्दी। वो तो हम आपको इस एज में देख रहे हैं, अभी 9 जून आपका बर्थडे, 75 इयर्स कंप्लीट, और हमें नहीं लगता शायद हमारी कमर में दर्द होगा, पर मैम को हम अभी भी दौड़ते देख रहे हैं और ऐसे ही आगे देखें, क्योंकि आपके इरादे, आपके विचार ना हमें जिंदा रखते हैं। हम जब थकते हैं तो हम आपकी किताबें पढ़ते हैं, आपके बारे में पढ़ते हैं। ये फिल्म आ रही है, तो कुशाल पहले तो ये बताइए, आपने न्यूयॉर्क फिल्म एकेडमी से पढ़ाई की है, एक लड़का जब अंग्रेजी वालों से फिल्म की कहानियां सीख के आता है कि कैसे बनानी है, तो वो जब बॉलीवुड में आता है, हिंदी सिनेमा में आता है, तो वो कोई ऐसी फिल्म चुनना चाहता है हमेशा जो आए और बॉक्स ऑफिस हिट हो और फिर सब जगह डायरेक्टर की बातें होने लग जाए। आपने फिल्म चुन रहे हैं किरण बेदी पे,
आपको क्या मतलब पैसलेसिस थॉट था कि क्या करना है या कोई नई कहानी लेके आनी थी, यही फिल्म क्यों? इससे अच्छी क्या है इससे अच्छी फिल्म किसी के लिए भी मिल ही नहीं सकती एज एन अपॉर्चुनिटी, क्योंकि ये कहानी कोई चाहकर भी नहीं लिख सकता। फिक्शन राइटर्स ये लिख ही नहीं सकते, जो सोच नहीं सकते ऐसी जिंदगी भी हो। अगर सोच के लिखोगे तो लोग कहेंगे आप झूठ बोल रहे हो, ये रियलिस्टिक नहीं है। तो रियल स्टोरी जो इतनी अनबिलीवेबल है, ये तो एक प्रिविलेज है कि मैम ने मुझे ट्रस्ट किया कि मैं ये फिल्म बनाऊं, एंड एट द सेम टाइम मैं मैम की स्टोरी के साथ ग्रो हुआ। बचपन से मैंने मैम को देखा है, उनसे सीखा है, इंस्पायर हुआ, बड़ी क्लोजली मैम की एनजीओज को भी देखा है, एंड उसके साथ साथ आई हैव माई सेल्फ शेप माई सेल्फ बिकॉज ऑफ मैम। मेरी पर्सनैलिटी को शेप करने में मैम का बहुत बड़ा रोल है, तो इसीलिए ये स्टोरी मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। एट द सेम टाइम मुझे लगता है मेरी जनरेशन, मेरे से आगे वाली जनरेशन, हर जनरेशन जिसको फॉर्च्यून नहीं मिला मैम को काम करते हुए देखने का, वो पहली बार देख पाए कि ये फिल्म हम सबसे बहुत ज़्यादा आउटलिव करें। तभी मैंने आपको बोला, हाँ मुझे ये नहीं जानना क्यों बनाना, आप बना रहे हैं इसके लिए मैं शुक्रगुजार हूँ। हाँ सबसे बड़ी बात मैम, आप इस फिल्म में आ रही हैं, सबसे बड़ा सवाल जो आपसे शायद मुझे लगता है आज से शुरू हो जाएगा, फिल्म में कौन आ रहा है किरण बेदी बनके, क्योंकि हम नहीं सोच सकते कि दूसरी किरण बेदी कभी हो सकती है। आप बताओ, हो सकती है ढूंढने पर, मुझे नहीं लगता ऐसे होगा। और दूसरा ये भी सवाल है कि क्या किरण बेदी बनने के लिए क्या एक जज्बा हो, हिम्मत हो एक औरत में, और उसको फोकस बोला जाए कि तुम्हें एग्जाम देने हैं, फर्स्ट क्लास फर्स्ट, बहुत लड़कियां आती हैं क्लास में, हर कोई पुलिस ऑफिसर भी बनता है, बहुत सारे सीनियर पोजीशन पे आते हैं, लेकिन वो पोजीशन के बाद भी ना एक जो आपकी बात है, कहते हैं ना एक आप में जो बात है, वो नहीं आ पाती। तो वो आप बताइए, वो बनने के लिए क्या सिर्फ पेरेंट्स का सपोर्ट ज़रूरी है या इन्वॉल्वमेंट ज़रूरी है, ऐसी कौन सी बात है जिसने आपको दी किरण बेदी बना दिया? एटीट्यूड, आपकी पहली फाउंडेशन है, foundation is full of habits. Habits becomes your character. Character becomes your attitudes. And attitudes becomes again your habits. Habit to positively think. Har cheez ko positively lena. Negative cheez bhi hai to isko negatively nahi leni. Usko maine turn around kaise karna hai taki main apne aap ko mentally negative mat banau. So it's an attitude. Har cheez ko aap kis drishti, it's your perspective. तो मैं अपने काम पर भी अगर नेगेटिविटी देखती थी तो उसको टर्न अराउंड करके देखती थी, उसको चेंज कैसे करना है, पॉजिटिवली कैसे करना है, क्योंकि हमारा मकसद इज बेनिफिट ऑफ द पीपल, जो आप पीपल सर्विस में हो। सो इट्स लाइक हाउ, इट्स नॉट लाइक नेगेटिव न्यूज, हाउ कैन आई टर्न नेगेटिव न्यूज इनटू पॉजिटिव न्यूज, विच इज योर डिफिकल्टी, फॉर मी इट वॉज। सो मेरे लोग कौन आएंगे जो इसको चेंज करेंगे, कौन सा साधन मुझे चाहिए, कौन सा रूल और रेगुलेशन चाहिए, कौन सा कॉलीग चाहिए, हाउ डू वी वर्क इट आउट। So solutions providing, it's an attitude. So अगर आप इस attitude से develop करते हैं तो आप हर इस चीज़ को इस perspective में fit भी रहते हैं, mentally भी रहते हैं, emotionally भी stable रहते हैं, और अपने आप को रोज़ self policing करते हैं। It's like self policing yourself. I think that's the habit if you learn when you're small, and self policing की, self audit की, आप अपने आप को monitor करते रहते हैं, रोज़ चलते रहते हैं, ईश्वर का धन्यवाद करते हैं, एक और दिन दे दिया, ठीक है आज भी करेंगे। आपने इस फिल्म के साथ एक पोस्टर जो नाम आया है बेदी, और सबसे बड़ी चीज़ जो शायद आप लोग सोच रहे होंगे, हमने कास्टिंग नहीं बताई, हमने छिपाई है, जो कुशाल को पता होगी पर वो हमें बता नहीं रहे, कोई बात नहीं हम इंतज़ार करेंगे। लेकिन एक बहुत बड़ा सवाल आ रहा है इसी के साथ कि द नेम यू नो बट द स्टोरी यू डोंट नो। हम सोचते हैं, हम तो सब जानते हैं, मैम 75 ईयर्स कम्प्लीट कर रही हैं, इतना बड़ा करियर है, द स्टोरी यू डोंट नो एक क्वेश्चन मार्क है, जो शायद सबसे बड़ी कहानी है। मुझे लगता है हमें वैसे बहुत सी बातें नहीं पता, और बहुत से ऐसे सवाल हैं जो हम आज भी सोचते हैं। फिर वो क्रेन बेदी को तिहाड़ जेल में पोस्टिंग, अचानक से वहाँ से हटाया जाना, फिर आपका टेनिस करियर भी अचानक से गड़बड़ होती है, और आप विंबलडन खेलने वाली थी और वहाँ से फिर लौटती हैं। चलिए वो बहुत अच्छा टर्न हो गया कि आप हमारे लिए पहली महिला IPS ऑफिसर बन के आती हैं, लेकिन ऐसे बहुत सारे सवाल हैं, ये क्या सारे जवाब इसमें मिलने वाले हैं? कुशाल विल टेल यू। आई थिंक हमें, आपने जैसे बोला, क्रेन बेदी हमें पता है, तिहाड़ हमें पता है, व्हाट हमें पता है, हाउ नहीं पता, व्हाई नहीं पता, क्यों मैम पहले ही दिन, जो आज तक किसी ने नहीं किया, अपनी पहले ही दिन पोस्टिंग के तिहाड़ के अंदर चली जाती, वो थॉट प्रोसेस क्या है, एंड इट विल मेक यू अंडरस्टैंड कि हु इज शी, उनका थॉट, हाउ डज शी थिंक, और वही शेप्स द नेक्स्ट जनरेशन। तो आई थिंक ये पहली बार हमें ये भी पता चलेगा कि उनका क्या थॉट था, उससे पहले उन्होंने क्या किया, उसके बाद उन्होंने क्या किया, बिकॉज व्हाट तो पता है, बट क्यों किया, एंड हाउ डिड इट हैपन,
कौन था उसमें is now that you'll get to see. कौन हेल्प कर रहा था, कौन नहीं हेल्प कर रहा था, वो सारी चीजें आएंगी. आएंगी. कौन हेल्प कर रहा था तो मतलब कॉन्ट्रोवर्सी भी आएगी. कॉन्ट्रोवर्सी नहीं है, हकीकत आएगी. हकीकत कौन हेल्प कर रहा था, कौन मुझे हेल्प कर रहा था और कौन ऑब्स्ट्रक्शन भी क्रिएट कर रहा था कि क्या करूँ जरूरत है जाने की. ऐसे क्यों कर रहे हो, ये तो हायरार्की डिसिप्लिन तोड़ रहे हो. तुम थाने में रोज सुबह जा रहे हो. एक था शाबाश, शाबाश तुम बड़ी सीख रहे हो. और कई ऐसे थे, क्यों जा रहे हो जी, क्यों जा रहे हो आप रोज पुलिस स्टेशन में कॉन्स्टेबल्स के साथ सीधा बात करने. ये तो हायरार्की की बात है. कॉन्स्टेबल आपको मिलने आता है एज सीनियर, आप नहीं कॉन्स्टेबल को मिलने जाते. ये तो मेरी डिसीजन थी कि मैं सीखने जा रही हूँ, उसको उससे पूछने जा रही हूँ. ये यू विल गेट टू नो हाउ आई लर्नड इवन एज अ यंग एज. मैंने अपने आप को सीनियर तो हो गई लेकिन मैं एक्सपीरियंस में सीनियर नहीं थी. मैंने कैसे काम सीखा. दैट मीन्स इज अ मैसेज टू एनी यंग ऑफिसर कि आप तो सीधा IPS लग के आप SV बन जाते हो लेकिन तुम SP एक्सपीरियंस में नहीं हो. रैंक में ही हो. एक्सपीरियंस कहाँ है, एक्सपीरियंस है थानों में. तो निकलो ना सुबह घर 8 बजे से पहले, पता चले तो फिर जाओ उस थानों में. तो अब हायरार्किकल भी बने रहोगे तो क्या सीखोगे. तो मैं नॉन हायरार्किकल सीखने जाती थी. तो कई कहते थे ये तो डिसिप्लिन तोड़ रही है. सो एक एंगल. और दूसरा था ये जूनियर्स कहते थे मैडम हमें मिलने आ रही है, इनाम देती है. अच्छा. सीखने. सी यू विल हैव ऑल दिस. सो यू विल सी एंड दिस इज रियलिटी. सो आपने तो ये देख दिया रोज पुलिस स्टेशन जाती थी लेकिन उसके आगे क्या हो रहा है, पीछे क्या हो रहा है, कर क्या रही है वहाँ, फायदा क्या हो रहा है. एंड इट्स अ मैसेज इन मैनेजमेंट इन लर्निंग. सो ये तो लार्जर गुड के लिए है. सो दैट्स व्हाट आई एम ट्राइंग टू से. इसमें यू हैड सपोर्टर्स ऑल्सो, अप्रिशिएटर्स ऑल्सो, एंड यू ऑल्सो हैड डिट्रैक्टर्स ऑल्सो. And you also had the media. Yes. तो media भी कैसे मुझे report करती. Okay. मेरे पास वो news clips हैं. हाँ. आपके संभाले हुए. बिल्कुल. मैं उम्मीद करूंगी हमने बहुत अच्छा काम किया हमारे सीनियर से किया. और मैम जब बायोपिक्स आती है ना, एक तो उनमें क्या होता है कि थोड़ी क्रिएटिविटी तो आप आज़ादी लेते हैं लेकिन उसमें कई ना चीज़ें मसाले के लिए डाली जाती हैं कि ये ना पिक्चर अच्छी चले. कई बार इंटरव्यूज में फिर वो लोग, जैसे मिल्खा सिंह जब फिल्म आई, मैं सिर्फ एक पर्टिकुलर नाम नहीं, तो उनकी जो लव स्टोरी दिखाई गई उन्होंने बोला जब इंटरव्यूज हुए उनसे, तो बोला नहीं नहीं ऐसी भी नहीं थी, ये थोड़ा तो डालते हैं. और उन्होंने बोला हाँ मैंने आज़ादी दी थी. तो आपकी भी फिल्म में क्या ऐसी चीजें होंगी, आपने खुशहाल को बोला है दे दी आज़ादी ऐसी. उसमें असली रियल है. आपकी लव स्टोरी तो बहुत अच्छी वो है. बता दूंगी ब्रिज सर के साथ. हाँ, पूरी रिसर्च करके आई हूँ. रियल है. हाँ, क्योंकि ये सबसे अच्छा एग्जाम्पल है. क्योंकि जब क्या होता है ना, कोई लड़की बॉयकट बाल हो गए, उसने एक मेल वाली कपड़े पहन लिए, तो लोग कहते हैं अरे फिर तो ये मर्दों की दुनिया में शामिल हो गई ना, ये तो वैसे ही हो गई. लेकिन नहीं मैम, की जो लाइफ है आपकी लव स्टोरी है, वो एक प्यार वाली जज्बात बाकी है. जरूरी नहीं हर कोई यश चोपड़ा की फिल्म में शिफॉन की साड़ी लहराते हुए ही रोमांस कर सकता है. रोमांस वहाँ पे भी होता है. वो रोमांस हमने आपकी लाइफ में देखा है. फिर आपकी बेटी, उसका जो लुक है वो आपसे बिल्कुल अपोजिट है. वो शक्ल में नहीं ना, वो सिंदूर लगाती है डार्क. बिल्कुल जी. वो चूड़ियां पहनती हैं और उन्हें पायल की छनछन अच्छी लगती है. बिल्कुल बिल्कुल. तो ये सारी चीजें क्या फिल्मों में आपका वो साइड हमें दिखेगा? बिल्कुल. ये तो अब इसकी काबिलियत है. अरे पूरा फैमिली, मैम का पूरा लाइफ, जैसे आपने बोला हमें उस क्रिएटिव लिबर्टी की जरूरत नहीं है क्योंकि ये स्टोरी में है. और एंड ये भी एक अनसीन साइड है जो शायद आज तक किसी ने नहीं देखा कि मैम का फैमिली सपोर्ट क्या था. ये क्या सपोर्ट है, व्हाट हु मेक्स द स्ट्रॉन्गेस्ट वुमन IPS ऑफिसर वी हैव सीन. तो वो फैमिली का जो सपोर्ट है वो आज तक किसी ने नहीं देखा. तो हम वो फैमिली का सपोर्ट भी दिखा रहे हैं, एट द सेम टाइम एक लव स्टोरी जो ऑलरेडी है, तो हमें डालने की जरूरत नहीं है. तो हम बहुत खुश हैं कि मैम ने हमें ऑलरेडी अपनी स्टोरी में दिया हुआ है. हाँ. तो हमें कोई उसमें लिबर्टी देने की जरूरत नहीं है. लव स्टोरी में जब मेरी शादी हुई, जब मेरी शादी हुई अगले दिन आई वॉज बैक होम टू ड्रॉप माई डॉटर माई सिस्टर टू स्कूल. आई वॉज बैक टू ड्यूटी. मेरा ड्यूटी क्या थी, मेरी छोटी बहन को मैं स्कूल छोड़ती थी रोज अपने स्कूटर पे. तो the night I got, the day I got married, the next day morning 7 o'clock I was back home to pick up my daughter, my sister, ki usko school mein drop karu, meri duty hai. To main tu kar rahi hu, to meri choti behan soch rahi hai ab to didi aaj nahi aayegi, mujhe school chhodne nahi aayegi, to shaadi hogi, ha padhai hogi. Maine kaha sun tu, maine brush bhi wahi kiya, maine breakfast mein mummy se liya, baby ko anu ko choda aur wapas gayi. अगले दिन मैंने कुछ नहीं तो आपके पास वो ससुराल वाले नहीं थे जो टैग लगा के देते हैं. ससुराल वालों ने तो मुझे कहा ये कैसी लड़की बहू आ गई. वो तो चुन के लिए थे ससुराल वाले. दिस इज द सिलेक्ट. दिस इज वेरी वेरी केयरफुल डिसीजन वेयर माय मदर इन लॉ विल बी आल्सो लाइक माय मदर. तो ये वाकई मैं दो मदर्स की सपोर्ट से बनी हूं.
एक मेरी मदर इन लॉ भी और मेरी मदर भी। वही मैंने आपसे पूछा है, किरण बेबी बनने के लिए बहुत लोगों की जरूरत भी होती है, तो इसीलिए इनको कोई फिक्शन नहीं लाने की जरूरत। कोई इट विल ब्रिंग एंटरटेनमेंट एंड वर्किंग वुमेन नीड मेन एंड हस्बैंड्स लाइक द काइंड आई हैड, जो मेरा टेनिस फ्रेंड भी थे और कहा कि तू जा जाना जा, मैं यहाँ स्थिर हूँ, तू मैं जिन्हें जाना जा, तू चढ़ती जा, तो चढ़ती मैं तेरे में विश्वास करता हूं। मैंने कभी किस्सा पढ़ा था उनके इंटरव्यू का ब्रिज सर का, कि वो जब आप ऑफिस ड्यूटी पे जाती थी कई बार आप थक के आती थी तो आपके कई बार वो जूते भी पॉलिश कर दिया करते थे। नहीं, मेरी यूनिफॉर्म भी हैंग करते थे मेरे लिए, खाना टिफिन ऑमलेट भी बनाते थे, ऑमलेट बनाते थे, वही उनको भी आता था बनाना, मुझे भी वही आता था, सो आई कुड मेक फॉर हिम, ही कुड मेक फॉर मी। तो आपको नहीं लगता हमेशा हिदायतें जैसे लड़कियों को मुझे लगता है शायद बचपन से दी जाती है, सुनो तुम तमीज से सीखो, तुम बड़ी हो गई हो ससुराल जाके ऐसा करना, लेकिन किरण बेदी कैसे बनना है, अब शायद ये फॉर्मूला थोड़ा लीक हो चुका है, लड़कियां बन भी रही हैं, लेकिन ब्रज बेदी कैसे बनना है या वो कैसे थे, ये आप ही तो हमें बताएंगे। तो ऐसा पार्टनर प्लेइंग कैसे प्लेइंग फ्रेंड, अच्छा आपको लगता है टेनिस बहुत इंपॉर्टेंट है, दिस इज अ वेरी चेंज, औरत की लाइफ चेंज दो हिस्सों में होती है, टू एम्स चेंज वुमन्स लाइफ, फर्स्ट एम इज मैरिज, यस, सेकंड इज मदरहुड, ये दो चीजें बहुत चेंज करती है औरत को। मैरिज ठीक हो जाए तो करियर उसका जिंदगी, लेकिन फिर से मैरिज भी अगर गलत हो गई तो यू हैव अ चॉइस टू मूव आउट, बट व्हेन द मदरहुड कैन नॉट बी मैनेज्ड वो कैसे होगा, सो यू टू थिंग्स, फॉर मदरहुड माय मदर टुक केयर, सी, एंड फॉर माय मैरिज माय हस्बैंड वाज माय लाइफ कंपेनियन, जो कि मेरे प्रोफेशन की बड़ी कदर करता था। सो ऐसा कंपेनियन लो जो आपके काम की इज्जत करे, और ऐसी मदर इन लॉ भी लो जो आपके लिए मदर बने और आप भी उसके लिए डॉटर इन लॉ बने और आप भी डॉटर बने, क्योंकि मैं जब भी गिफ्ट लाती थी मैं अपनी मम्मी के लिए भी लाती थी और मदर इन लॉ के लिए भी, अमृत सर के लिए भी लाती थी, उन्हें गिफ्ट अच्छे लगते, हां उनको बहुत गिफ्ट अच्छे, लेकिन आपने कभी नहीं बताया, मैंने मांगा नहीं कभी, मैंने कहा नहीं मगर, लेकिन वो बहुत गिफ्ट का बहुत शौकीन था, मेरी रिसर्च में कुछ हाल से कम नहीं है, सी दैट, इसलिए सो इसलिए कोई इन्फेक्शन लाने की जरूरत नहीं, सिक्योरिटी है मुझे, आपको रिसर्च बहुत ज्यादा है। और जो चीज नहीं होगी फिर मैं नीचे अपने क्रिएटिव उसमें हेडलाइन भी लूंगी, हाँ, बाय ऋचा मिश्रा, एडिटेड बाय एंड समथिंग, हाँ, बात की बात है, बट लेकिन मुझे बहुत खुशी है कि कुशाल जैसे यंग जनरेशन लोग आप पे बात कर रहे हैं, आप पे फिल्म ला रहे हैं, और मुझे बहुत बहुत आपको मैं बधाई दूंगी। मैं फिल्म ये नहीं हो कि अगर आप इसे OTT रिलीज करें, ऐसी कोई प्लानिंग आपकी अभी कि कहाँ रिलीज करेंगे? अभी नहीं, ऑब्वियसली आएगी, क्योंकि अभी क्या क्या लोग सिनेमा घर पे कब पहुँचते हैं, OTT पहुँचते हैं, लेकिन ये फिल्म कमाई कितनी करे ये बात की बात है, कि फिल्म हर शख्स तक पहुँचनी बहुत ज़रूरी, क्योंकि आपकी लाइफ के साथ एक बहुत बड़ा मैसेज है। वक्त कम है, वरना मैं चाहती हूँ कि मैं यहीं बैठूँ और बहुत से सीखूँ, क्योंकि बहुत कम चीज़ें हमें पता हैं, जो आपने की हैं वो हम सोच नहीं सकते पर हमने देखी हैं, और शुक्रिया मैम हमें सब सिखाने के लिए, हमारी इस ज़िंदगी में होने के लिए, और आज मेरे पेरेंट्स का दिन बनने वाला है कि आज मैंने किरण बेदी से बात की है, जो उनकी भी आइकॉन है और हमारी तो है। थैंक यू मैम वक्त देने के लिए, थैंक यू, थैंक यू, वेरी नाइस, थैंक यू सो मच, वेरी काइंड।